leave it for हैदराबाद सिटी पुलिस के हमारे साथी कलीग ऑफिसर्स खवातीनों हजरात सबसे पहले आपके खिदमत में आदाब आज की शाम हमारे डीसीपी ईस्ट जोन रमेश साहब की तरफ से जब ये ऑर्गेनाइजेशन का ऐलान हुआ कुछ दिनों पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और कुछ जो ख्यालात हैं आपसे शेयर करने का मौका मिलेगा। जैसा कि आप लोग बदलते वक्त में देख रहे हैं हर जगह दुनिया में हिंदुस्तान में तेलंगाना में हैदराबाद में हर जगह एक चेंजेस बदलाव आ रहा है और इस चेंज इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वह है अवेयरनेस एजुकेशन। ये एक एजुकेशन ऐसा चीज है जिससे कि किसी भी सोसाइटी में किसी भी सिटी में पहले के कंपैरिजन में पहले के तुलना में चीजें बेहतर होती हैं। एजुकेशन से नए नए अपॉर्चुनिटीज आते हैं नई मंजिलों का एहसास होता है और फिर उसके बाद लोग मेहनत करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूंगा। अभी इस फंक्शन में अगर आप देखिए अपने बाईं तरफ और दाहिने तरफ निगाह को घुमाएंगे तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लेडीज ऑफिसर्स कितने ज्यादा हैं इधर देखिए इधर भी। आज से 5 साल पहले हैदराबाद सिटी पुलिस में ही नहीं पूरे स्टेट में भी लेडी ऑफिसर्स की बहुत कमी थी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर हम सफिशियंट रिप्रेजेंटेशन लेडीज का नहीं रखेंगे तो उसको इनकम्प्लीट माना जाएगा। हमारे सोसाइटी में लगभग बराबर के हिस्सेदार हैं खवातीन और हजरात। तो जब बराबर के हिस्सेदार हैं तो अगर किसी एक को कम रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो वाकई वो ऑर्गेनाइजेशन इनकम्प्लीट रहेगा। हमारे हेडक्वार्टर में हर वीक एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में खास करके जो हमारे नए कांस्टेबल ऑफिसर्स जिनकी रिक्रूटमेंट पिछले साल हुई या कुछ की रिक्रूटमेंट इस साल हुई इन लोगों से बातें करने का मौका मिलता है। तो हर बार मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम 10 मिनट अपने नए जो हमारे ऑफिसर्स लोग आए हैं मेन कांस्टेबल ऑफिसर्स विमेन कांस्टेबल ऑफिसर्स सबसे मैं जरूर बातें करता हूं और आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि पिछले हफ्ते जब मैं अपने डिपार्टमेंट के लेडी कांस्टेबल ऑफिसर से बात कर रहा था तो उसमें से करीब 40-50% उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद पुलिस की नौकरी मिलने के बाद उसके बाद वो लोग एक्टिवा चलाना सीखे कोई मोपेड चलाना सीखे और अपने से अपने घर से अपने पुलिस स्टेशन जहां उनकी नौकरी हो रही है उससे चला कर आते हैं। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई जिस समय हम लोग नौकरी खुद शुरू किए थे आज से 25 साल पहले 30 साल पहले उस समय यह सब सोचने का भी इट वॉज नॉट पॉसिबल असर मुमकिन नहीं था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में 40-50% हमारे कांस्टेबल ऑफिसर्स खुद स्कूटर चला के एक्टिवा चला के घर से ऑफिस आते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोसाइटी हम चाहें या न चाहें बहुत कारणों से चेंजेस होते रहता है उसमें। अब जैसे आज से 50 साल पहले
आज से 100 साल पहले एक गांव में जब कोई बच्चा पैदा लेता था तो उसी गांव में वहीं पे वो बड़ा होता था, उसी गांव के आसपास स्कूल जाता था, वहीं पे उसकी शादी होती थी, वहीं पे उसके बच्चे पैदे होते थे, नौकरी करते थे, वहीं बूढ़ा होकर मुश्किल से 25 या 30 किलोमीटर के रेडियस में उसकी पूरी जिंदगी वहीं खत्म होती थी। ये 50 साल 75 साल पहले की बात थी। आज की तारीख में एक बच्चा अगर कोई स्कूल गया, कोई भी हो, वो बॉय हो या गर्ल हो, वो उस बड़े होने के बाद सीनियर क्लास में कहीं और चला जाता है, प्लस टू में कहीं और चला जाता है, फिर कॉलेज में कहीं और चला जाता है, शादी होती है तो फिर कहीं और चला जाता है, नौकरी के सिलसिले में एक शहर से दूसरा शहर, दूसरा शहर से तीसरा शहर, चौथा शहर, अपना जिंदगी का जो एक खेमा है वो काफी बड़ा हो गया। तो इन सब चीज में बदलते हुए समय को देखकर अपने आप को अगर हम और आपके बच्चे अगर अपने आप को स्किल नहीं रखेंगे तो हम कंपटीशन के माहौल में, हर चीज में आजकल कंपटीशन है, उसमें थोड़ा अपने आप को कमजोर पाएंगे। यही नहीं, इसके साथ एक अवेयरनेस, एक जनरल नॉलेज भी बहुत जरूरी है। अब जैसे आज हमारे पास अभी हमारी एडिशनल सीपी क्राइम मैडम ने कहा कि शी टीम का जिक्र हुआ, भरोसा सेंटर का जिक्र हुआ, ये सब इनिशिएटिव क्यों शुरू हुआ? हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जब नया स्टेट बना तेलंगाना स्टेट, तो उन्होंने बिल्कुल ये क्लियर डायरेक्शन दिया पुलिस डिपार्टमेंट को, हैदराबाद शहर में क्राइम अगेंस्ट विमेन, अट्रॉसिटी अगेंस्ट विमेन बिल्कुल जीरो होना चाहिए। और इस जीरो टॉलरेंस के पॉलिसी के पीछे ये नया बुनियाद, एक नई इमारत खड़ी हुई जिसको हम लोग शी टीम के नाम से जानते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि हर दिन कम से कम 15 से 20 लोग खवातीन आते हैं और अपने शिकायत वहां दर्ज करते हैं। इस मौके पे मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि जो भी पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट के तरफ से इनिशिएटिव है, जैसे स्कॉलरशिप का, अब आज की तारीख में अगर कोई लेडीज, कोई गर्ल फॉरेन यूनिवर्सिटी में अगर किसी का एडमिशन हो रहा है तो आपको मालूम है गवर्नमेंट के तरफ से 20 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप का प्रोविजन है। तो ये सब सबकी चीज की जानकारी होनी चाहिए। यही नहीं, जो सीनियर क्लासेस में क्या सुविधा मिल रहा है, ये सब की जानकारी आपको हमेशा मिलनी चाहिए और इसी से अवेयरनेस बढ़ता है। मैं आपसे एक चीज और जिक्र करना चाहूंगा, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में जो एक रिस्पांस मैकेनिज्म है, आपको अभी हमारे एडिशनल सीपी ने जिक्र किया कि हॉक आई एप्लीकेशन, तो एक अगर इमरजेंसी में कभी कुछ जरूरत हुआ अपने सेल फोन से बस उसमें एक रेड बटन है उसको प्रेस करिए और 5 से 7 मिनट के अंदर आपके पास हमारी पुलिस की पेट्रोल गाड़ी पहुंच जाएगी। ये सब चीज आपकी सुविधा के लिए है और ये सब चीज और बेहतर होगा अगर आप इसका यूज करेंगे और आप इसके बारे में अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने परिवार के और बाकी लोगों से इसका जिक्र करें। ये सब चीज आपके लिए है। कभी भी पुलिस डिपार्टमेंट से खासकर किसी भी चीज की शिकायत करने में कभी किसी चीज का डर या संकोच नहीं होना चाहिए। जब कभी भी आपको कुछ अगर घबराने का कुछ समय लगे, कुछ परेशानी हो, आपका सबसे पक्का फ्रेंड कौन सा होना चाहिए? डायल 100 100 100 एक ऐसा आपका साथी है, एक ऐसा आपका दोस्त है जो 24 घंटे आपके लिए अलर्ट है। हमारा जो कंट्रोल रूम है वहां पे करीब 110 कांस्टेबल ऑफिसर्स 24 आवर्स कान में लगाकर फोन का इंतजार करते रहते हैं। हैदराबाद के किसी भी कोने से किसी का भी कॉल आता है, उसको तुरंत वो फोन पर सुनकर
जिस एरिया से कॉल आ रहा है वहां के लोकल पेट्रोल व्हीकल को तुरंत खबर करते हैं। और आपको मालूम होगा हैदराबाद शहर में हमारे पास 130 इनोवा पेट्रोल व्हीकल केवल इसी काम के लिए है। कहीं से भी कॉल आएगा 5 से 7 मिनट के अंदर उनको वहां पहुंच जाना है। और इस चीज का हम लोग मेजरमेंट भी करते हैं, इसका हम लोग हमेशा हिसाब लेते हैं आज के दिन में कितने डायल 100 में कॉल आए और किस पुलिस स्टेशन से हमारे कितने पेट्रोल व्हीकल कितने समय में कितने मिनट में वहां पे पहुंचकर इनका जो भी प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किए। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये आपके लिए सर्विस है और आप इसको यूज करिए। आप लोग सब जगह देखते होंगे जो जितने हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं सभी के शोल्डर पे कंधे पे बैच लगा रहता है और सभी के बैच पे अगर आप देखिएगा अंत में तो एस रहता है, तेलंगाना पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। इसमें जो आखिर का वर्ड है सर्विस, सबसे ज्यादा अहमियत उसी की है। हम लोग जो भी हैं आपके सर्विस के लिए, तो आप सर्विस का मौका दीजिए। आप अपने तरफ से फोन करिए, SOS दबाइए या पुलिस से हमारे ऑफिसर्स लोग से मिलिए और उसके बाद आप देखिए कि आपका कितना जल्दी से सॉल्व होता है। आपसे एक चीज और मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जब कभी भी सोसाइटी में कुछ गलत चीज के बारे में अगर आपको जानकारी मिली, अगर आपने कुछ सुना या आपकी नजर वहां कहीं पे गई जो कि आप देख रहे हैं सही चीज नहीं है, तो आपकी खामोशी वो सही नहीं। जब कभी भी आप कुछ गलत चीज देखिए, गलत चीज सुनिए, आप उसको तुरंत डायल 100 में बताइए या किसी पुलिस ऑफिसर को बताइए। आपकी खामोशी उस गुनाह को और बड़ा कर देती है जो भी गुनाहगार है उसका। और अगर वो गुनाहगार किसी एक बार वो गलती किया, जानबूझकर शरारत किया, अगर उसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी वो दूसरा बार भी करेगा, तीसरा बार भी करेगा। इसीलिए आपकी और हमारी ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग मिलकर ऐसे लोगों को उनका पहचान करें और उनको कानून के दायरे में लाएं। आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आज की तारीख में हमारा हैदराबाद शहर, आपका हैदराबाद शहर हिंदुस्तान के सबसे सेफ और सिक्योर शहरों में से एक माना जाता है आज की तारीख में। खास करके CCTV कैमरा के आने के बाद से चेन स्नैचिंग या इस तरीके की जो शरारतें पहले होती थी उसमें 60-70% का डिक्लाइन हुआ है। आपको मैं दो एग्जांपल देना चाहूंगा, आप उससे वाकिफ हैं लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा। कोटी हॉस्पिटल में एक छोटी 6 दिन की लड़की का किडनैपिंग हुआ था, आप लोग अखबार में पढ़े होंगे उसके बारे में, टीवी में भी देखे होंगे। 36 घंटे के अंदर केस को हम लोगों ने डिटेक्ट किया और भीतर से वहां उस बच्चे को यहां ले लाया। ये सब काम इसी जोन में हमारे DCP रमेश साहब के लीडरशिप में, टास्क फोर्स के लीडरशिप में। और सबसे अहमियत है कि इसमें कि हमारी जो डॉक्टर चेतना है यहाँ ACP, ये इन्होंने खुद जाकर वहां पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, लोकल पुलिस के साथ तालमेल करके बच्चे को रिकवर करके यहाँ लाकर उसके मदर को के गोद में रखा। ये सबके पीछे सबसे बड़ा रीजन था CCTV कैमरा। तो CCTV कैमरा के बारे में इसलिए आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को बताएं, आप अपने दोस्तों को बताएं, खास करके आपके एरिया में जो बिजनेसमैन है उनको बताएं। हर जगह जहां संभव हो हर घर के सामने CCTV कैमरा लगाइए। आपका सबसे बड़ा पहरेदार वही है, वो एक ऐसा पहरेदार है जो कभी सोता नहीं है, वो एक ऐसा पहरेदार है जिसकी निगाह में एक बार जो आ गया वो परमानेंट रिकॉर्ड हो गया, कभी भूल नहीं सकता है। हाँ,
वो एक बार उसने निगाह में कुछ आ गया, वो परमानेंट रिकॉर्ड हो गया, और उसके तरफ से जो कोर्ट में पेशी होती है, कोर्ट भी उसको विश्वास करेगा। और सबसे बड़ी चीज हमारे डीसीपी साहब अभी बताए, वो एक ऐसा पहरेदार है जो कभी झूठ नहीं बोलता। तो इसीलिए आप लोग एक सीसीटीवी का जो माहौल हैदराबाद शहर में बढ़ रहा है, जो आज की तारीख में 2,27,000 कैमरा हमारे पास हो गया है, मुझे उम्मीद है कि आपके प्रेशर से, आपकी ताकत से, ये जल्दी से जल्दी इसको हम लोग 5,00,000 कैमरा पर करना है। और उसके बाद पूरे दावे के साथ हिंदुस्तान के सभी शहरों के सामने हम लोग कहेंगे कि हैदराबाद शहर बिल्कुल क्राइम फ्री सिटी है। इसमें आपको, आपके परिवार वालों को, आपके संबंधियों से, सभी से मदद की जरूरत है, और मैं इसकी गुजारिश आपसे करता हूं। मैं एक और चीज आपसे कहना चाहता हूं, जब कभी भी सोसाइटी में आप देखते हैं, अल्लाह सुभाना व तआला सबको बराबर बनाए, लेकिन सोसाइटी में किसी कारण से कोई ऊंचा हो जाता है, कोई नीचा हो जाता है, किसी के पास ज्यादा पैसा, किसी के पास कम पैसा, कोई ज्यादा पढ़ लिए, कोई कम पढ़ लिए। हमेशा जहन में ये बात रखना चाहिए कि कुछ कारण से वो हमसे या तो कम पैसा है उसके पास, या उसका ओहदा कम है, लेकिन उसके अंदर जो इंसानियत है उसकी कदर कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। और ये चीज आपके जहन में हमेशा रहे, अगर ये जहन आप, ये चीज आपके जहन में रहेगा, तो जो एक कंपैशन की भावना होती है, आप कभी भी किसी को अपने से नीचे नहीं देखना चाहिए। ये जो भी, अगर कोई बच्चा अमीर घर में पैदा लिया और कोई बच्चा अगर गरीब घर में पैदा लिया, उसमें बच्चे का कोई क्रेडिट या कसूर नहीं। तो हर चीज को